नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और ये हफ्ते का वही दिन है जब मैं आपको देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज के बारे में बताता हूं, यानी टेक दिस वीक एपिसोड दिखाता हूं। पिछले हफ्ते मुकेश जी ने टेक दिस वीक आपको दिखाया था और आप सभी ने काफी पसंद भी किया था, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप मुकेश जी को भी काफी पसंद करते हैं। हमेशा मैं भी कोशिश करूंगा कि मुकेश जी ही आपको टेक दिस वीक देने की कोशिश करें, पर एनीवे अब मैं आ गया हूं तो मैं ही आपको दिखा देता हूं इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी ज्ञान और देखते हैं क्या हुआ खास इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अब सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज बताता हूँ और वो है शाओमी की। आप सभी शाओमी के रेडमी नोट 8 के बारे में बहुत दिनों से जानना चाह रहे थे, तो फाइनली शाओमी ने रेडमी नोट 8 और नोट 8 प्रो को चाइना में लॉन्च कर दिया है। दोनों फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। शाओमी रेडमी नोट 8 में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, तो नोट 8 प्रो में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है। वहीं नोट 8 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट मिलता है, तो नोट 8 प्रो में आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T जो कि एक नया प्रोसेसर है वो मिलता है। रही बात प्राइसिंग की, तो इंडिया की प्राइसिंग अभी फिलहाल कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन अगर हम चाइनीज प्राइसिंग को इंडियन रुपीज में ट्रांसलेट करें तो नोट 8 की शुरुआती कीमत बनती है लगभग 10,000 रुपए और नोट 8 प्रो की शुरुआती कीमत बनती है लगभग 14,000 रुपए। और यहां पर आपको बता दूं कि कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि फोन 2-3 महीने तक इंडिया में नहीं आएंगे, नवंबर के आसपास ही इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते ओप्पो ने भारतीय बाजार में रेनो सीरीज के अंदर 3 नए स्मार्टफोन्स पेश किए, ओप्पो रेनो 2, ओप्पो रेनो 2Z और ओप्पो रेनो 2F। हालांकि रेनो 2 समझकर आप सोच रहे होंगे कि ये सक्सेसर है, लेकिन पुराने फोन का सक्सेसर नहीं बल्कि रेनो सीरीज में एक नया फोन जोड़ा गया है, उन फोन्स के बीच का ही फोन है ये। ओप्पो रेनो 2 में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट, रेनो 2Z में है मीडियाटेक का P90 चिपसेट और रेनो 2F में है मीडियाटेक का P70 चिपसेट। तीनों फोन्स में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है स्पेसिफिकेशन में। ओप्पो रेनो 2 में आपको मिलता है शार्क फिन कैमरा और बाकी जो दो फोन्स हैं उनमें आपको राइजिंग कैमरा जो पॉपअप कैमरा होता है रेगुलर वो मिल जाता है। रही बात प्राइसिंग की, तो रेनो 2 की कीमत है 36,990 रुपए, रेनो 2Z की कीमत है 29,990 रुपए और रेनो 2F की कीमत कंपनी ने भी बताई नहीं और कंपनी ने कहा है कि नवंबर तक ये फोन पेश किया जाएगा। तो भाई लोग, लेनोवो ने कंफर्म कर दिया है कि वो भारतीय बाजार में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Z6 Pro लॉन्च करने के लिए तैयार है। 5 सितंबर को कंपनी इस नए फोन को लॉन्च करेगी। इसके साथ कंपनी कम रेंज के भी दो फोन लेकर आएगी, यानी लेनोवो K10 नोट और लेनोवो A6 नोट। नोट जो सीरीज है, के नोट सीरीज है, कंपनी काफी पुरानी सीरीज है, इसके फोन्स जो है वो काफी पसंद किए जाते थे। इस बार देखते हैं कि फोन्स कैसे होंगे और क्या कंज्यूमर्स को लुभा पाएंगे, पर आई एम श्योर कि Z6 Pro कंज्यूमर को जरूर पसंद आएगा, प्रोवाइडेड कंपनी प्राइसिंग थोड़ी ठीक रखे। अगर प्राइसिंग अच्छी रखे तो आई एम श्योर कि ये जो OnePlus 7 और Oppo Reno जो 855 चिपसेट वाले फोन है उन्हें टक्कर देने की जरूर क्षमता रखेगा। OnePlus 7T और 7T Pro फाइनली 26 सितंबर को लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि स्पेसिफिकली इंडिया में सबसे पहले होंगे या ग्लोबली लॉन्च किए जाएंगे, पर यहां पर जो सोर्सेस की माने तो बहुत ज्यादा आसार लग रहे हैं कि इस बार 26 सितंबर को OnePlus 7T और 7T Pro पहले इंडिया में होंगे, उसके बाद दूसरे देशों में पेश किए जाएंगे। पर इन केस ऐसा नहीं भी होता तो 1-2 दिन बाद आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहां पर आपको बता दूं कि OnePlus 7T की लीक स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुकी है। एक टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करके बताया है कि OnePlus 7T में आपको 6.5 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा, 855 प्लस चिपसेट होगा क्वालकॉम का इसमें, साथ ही साथ 48 प्लस 16 प्लस 12 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेयर कैमरा होंगे और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया जाएगा। वीवो एक के बाद एक धमाकेदार फोन लॉन्च किए जा रही है। कुछ समय पहले कंपनी ने भारतीय बाजार में Z1 Pro लॉन्च किया था, सितंबर के फर्स्ट वीक में Z1 X लेकर आने वाली है और सितंबर एंड तक Vivo V17 Pro भी आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी की ओर से इस फोन की एक फोटो भी लीक हो चुकी है जिसमें इस फोन का बैक पैनल देखा गया है और बैक पैनल पर आप देख सकते हैं कि 4 रेयर कैमरास दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, यानी डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। और जैसा कि हमने आपको खबर दी थी कि इसमें आपको पॉपअप कैमरा मिलेगा और फ्रंट जो पॉपअप मॉड्यूल है उसमें 2 सेंसर्स दिए जाएंगे। हालांकि अभी फोटो नहीं आई है फ्रंट की, पर जैसे ही हमारे पास आएगी हम डेफिनेटली आपको वो फोटो भी जरूर दिखाएंगे। आईफोन 11 का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जी हाँ, कंपनी ने मीडिया इनवाइट जारी कर दिया है और अनाउंस कर दिया है कि 10 सितंबर को ये फोन US में लॉन्च किया जाएगा। आप जा सकते हैं क्या?
अगर जा सकते हैं तो प्लीज मेरे लिए भी एक फोन जरूर लेके आइएगा, क्योंकि कंपनी यूएस में पहले लॉन्च करेगी और उसके बाद ही ये फोन इंडिया में देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इसमें आपको इस बार iOS 13 देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी का नया सॉफ्टवेयर है। बाकी स्पेसिफिकेशन क्या है हम लॉन्च के दिन आपको जरूर विस्तार में बताएंगे। ऑनर 4 सितंबर को चाइना में अपना पंच होल डिस्प्ले वाला नया स्मार्टफोन 20S लॉन्च करने जा रही है, जिसके लिए कंपनी ने मीडिया इनवाइट भी भेज दिया है। और इस लॉन्च से पहले ही 91 मोबाइल्स के पास एक्सक्लूसिव रेंडर इमेज आ चुकी है इस फोन की, और इस फोन की लुक्स आप इस फोटो में पूरी तरह से देख भी सकते हैं। बैक पैनल पर 3 रियर कैमरा दिए गए हैं, जिसमें माना जा रहा है कि एक सेंसर जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल होगा। फ्रंट में पंच होल मिल जाता है जो कि खबर के अनुसार 32 मेगापिक्सल का हो सकता है। साथ साथ इसमें आपको कंपनी का खुद का हाई सिलिकॉन किरिन 810 चिपसेट देखने को मिल सकता है, जिसमें 8GB रैम होगी। और आपको दो और वेरियंट मिलेंगे, यानी 128GB स्टोरेज वेरियंट और 256GB स्टोरेज वेरियंट। साथ ही साथ इसमें आपको 4000mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकती है। अब वेट करते हैं 4 सितंबर का और जानते हैं कि फोन में और क्या क्या खास चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी ज्ञान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से रूबरू हो गए होंगे। पर फिर भी इन न्यूज को लेकर कोई भी क्वेरी है तो यार हमेशा की तरह आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और डिटेल में इन फोन्स के बारे में पढ़ लीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह चैट करने के लिए ये रही आईडीज, और मेरी पर्सनल आईडीज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जल्दी से इंस्टाग्राम पे आ जाइए, चैट करते हैं।